हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और यहाँ पर आए हैं हम अगेन से अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। यहाँ पर देखिए मीशो ने कितना बड़ा धोखा कर दिया, ये आप देखिएगा इस वीडियो में। यहाँ पर हम अनबॉक्स कर रहे हैं अपने पार्सल को। और ये देखिए मिनी यहाँ पर बहुत परेशान करने लगी, इतनी नोटी हो गई ना ये आजकल, हर काम में अपनी टांग अड़ाने लगी। यहाँ पर वॉइस ओवर देने के लिए भी आ गई हैं ये, और आपको हाय बोल रही हैं, हेलो गाइस बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने मंगाए थे मीशो से पेन, बहुत ही सुंदर ये सारे कढ़ाई पेन, और ये चायदानी आई थी और मैं इसको रखने ही वाली थी लास्ट में जाके। देखिए कितना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, इतने सुंदर है ना ये जो पीसेस हैं, ज़्यादा मोटे वाले नहीं हैं, जो अभी 3 लेयर्स वाले आ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और इनका प्राइस है अराउंड 500-600 के अंडर में ही है ये तीनों जो चीज़ें हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखिए ग्लास फिनिश है एकदम, यहाँ पर हम अपना फेस भी देख सकते हैं। और ये देखिए लास्ट में जाके हमने जब लास्ट वाला खोला ना, वो जला हुआ निकला। यहाँ पर मैं रखने वाली थी तीनों चीज़ों को, लेकिन पता चला कि ये रीयूज़ वाले उन्होंने भिजवा दिए हैं हमें, तो मैंने फिर ये रिटर्न करना पड़ा मुझे। और नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद मैं अच्छे वाले बर्तन लेने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं मैं कुकिंग वीडियो बहुत करती हूँ, बनाती हूँ। आप लोग नहीं देखते हो तो ज़रूर देखा कीजिए। और यहाँ पर एक और ये है ऑर्गेनाइज़र, छोटे छोटे पार्ट आपके कोई भी आइटम हो, ईयरिंग हो, नेकलेसेस हो, रिंग्स वगैरह को स्टोर करने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाई करती हूँ तो उनके बटन्स वगैरह, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मैंने बटन खरीदे हुए हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए इस जो डब्बा है इसको रख लिया है। और काफ़ी प्यारा है, इसमें अराउंड 16 ग्रिड आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे प्लास्टिक के शीट जैसे जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, वो बहुत कम थे, यहाँ पर उन्होंने 6 दिए थे, जबकि उन्हें 4 और एक्स्ट्रा भिजवाने चाहिए थे, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया क्योंकि मैंने कहा पता नहीं कब तक आएंगे वापस। और यहाँ पर ये मंगाई थी मीशो से, सेल चल रही थी तो यहाँ पर स्लीपर्स मंगाई थी, मुझे स्लीपर चाहिए थी अभी डेली यूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर ये इनकी क्वालिटी जो ठेलों पे वाली क्वालिटी आई थी ये मैंने बिल रिटर्न कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये देखिए कितनी इस दिखने में काफ़ी प्यारी हैं, इसीलिए मैंने इनको मंगाया था कि मुझे पसंद आएंगे तो मैं इनको रख लूँगी, डेली यूज़ के लिए हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो क्वालिटी ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और ये मंगाई थी हमारी मिनी की खूब सारी चड्डियाँ, यहाँ पर उसी को दे रहे हैं, यहाँ पर ये हाँ मिनी की ही हैं, मिनी बता रही है कि ये मेरी हैं और काफ़ी अच्छी हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती हैं 200 समथिंग में। और फिर उसके बाद ये देखिए पहना के भी दिखा रहे हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, अराउंड 10 रुपीज़ में पड़ी थी हमें। और ये है साड़ी जो मैंने मीशो से मंगाई थी, मैं फ़ोटो भेज दूँगी आपको, लिंक भेज दूँगी, लिंक तो होता नहीं है इसमें, यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट कोड भेज दूँगी। काफ़ी अच्छी आई थी ये पिंक कलर, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं इसका ग्रीन कलर मंगा लूँगी। यहाँ पर एक और अनबॉक्सिंग वीडियो है, ये हो रहा है अनबॉक्स कुर्ता सेट, यहाँ पर मंगाया था हमने और फिर मैंने इसको रिटर्न इसलिए कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल पहनने के बाद अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे इसको रिटर्न करना पड़ा। और इसकी कढ़ाई वगैरह, कपड़ा कॉटन का था, अगर आप लोग मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज़।